गाइस, तो कैसे हो? रात के 3 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो को बनाना बहुत नेसेसरी है, कस्टम रिलेटेड है, इसलिए मैंने कैप्शन में डाला है। कस्टम्स वगैरह तो बहुत अच्छे आ रहे, टीम्स वगैरह भी अच्छा परफॉर्म करी, जो नई टीम से वो भी बहुत अच्छा खेले, जो पुरानी टीम से वो भी अच्छा खेले, जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा खेले, सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे। और ऐसा सुनने में आया कि लॉबी बहुत हार्ड आ रही है और बंदे पुश करने की कोशिश कर रहे खुद को और जीतने की कोशिश कर रहे, ना कि अर्ली फाइट्स वगैरह लेके इधर ऐसे टाइम पास में खेले, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। बट प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? स्लॉट लिस्ट में, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग में, प्रॉपर वे में मैसेज और आप आईडी पासवर्ड देख नहीं रहे हो। जब भी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज डालता हूँ ग्रुप में, ना व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर डिस्कॉर्ड में, तो प्लीज वो मैसेज को सीन करो और उसी टाइम पे अपनी टीम के रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि क्लोज होते रजिस्ट्रेशन 5 बजे और फिर आप 6:30 7 बजे टीम्स लेके आओगे कि ये टीम को ले लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज जब भी मैं अगर मैं ग्रुप में एडवांस मैसेज हटा के वहां पे सभी को पार्टिसिपेंट के मैसेज एक्टिव करता हूँ, तो आप जब भी मैं रजिस्ट्रेशन ओपन करूंगा तो अपनी टीम्स के नाम और विद फॉर्मेट डाल दिया करो, ओके, विद सब्स्टिट्यूट। और बाद में एक और चीज ध्यान में रखो, स्लॉट लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। स्लॉट लिस्ट प्लीज केयरफुली ध्यान दो स्लॉट लिस्ट पे, आप किसी और के प्लेस पे जाके मत बैठिए, फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने टीम नंबर टीम जो भी है डोमिनेशन किंग्स को कौन सा प्लेस दिया है। अगर उनको मैंने एक प्लेस दिया है तो वो दूसरे प्लेस पे जाके बैठेंगी, फिर वो आप दूसरों के प्लेस को प्रॉब्लम दे रहे हो। तो प्लीज आपको जो स्लॉट लिस्ट में प्लेस दिया जाएगा ना, जैसे 4 नंबर दिया, तो 4 टीम 4 के पास जाके बैठो। अगर टीम 4 के सामने आपका नाम लिखा गया है तो फिर प्लीज आप 4th पे ही जाके बैठो, कहीं और मत बैठो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि जो प्लेस दिया गया आपको उस प्लेस पे आपके चारों बंदे हैं या नहीं, या फिर वही टीम है, या फिर आईडी पासवर्ड कहीं लीक हो रहा है, दूसरी टीम्स तो एंटर नहीं करी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए, तो ये आपके लिए कर रहा हूं मैं, तो आप लोग प्लीज समझो इस बात को। तो अभी अगर एक दो बार मैं चीजें नोटिस करूंगा, बाद में इसे नहीं नोटिस कर पाऊंगा मैं और मैं उसे मुझे किक आउट करना पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान दो उस बारे में और इंजॉय करो कस्टम और मजे करो और ग्राइंड करो, पुश करो। थैंक यू सो मच।